चलो मैं एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर सिंधी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्री मेसन बाइबल के विषय में। फ्री मेसन बाइबल और पंथ, इन्होंने एक ऐसी बाइबल छापी है जिसमें आपको परमेश्वर के विरुद्ध और मसीह की शिक्षा के विरुद्ध बहुत सी ऐसी बातें दिखाई पड़ेंगी। फ्री मेसन बाइबल जो है वो पूरी तरह से बाइबल के परमेश्वर के विरुद्ध में है, लेकिन इनकी ढिठाई देखिए और इस पंथ की रचना देखिए कि इन्होंने बाइबल में वो तमाम बातें इंक्लूड की हैं। मैं उन बातों की बात नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने वचन को बढ़ाया है या समझाया है या उसमें से कुछ अलग इंक्लूड कर दिया है, बल्कि इन्होंने इस बाइबल में जो चित्रकारी डाली है, जो कमेंट्री करी है, वो लूसीफर को इज्जत देने के लिए करी है, ना कि परमेश्वर को इज्जत देने के लिए की है। इन्होंने जो हथकंडा इसमें अपनाया है वो परमेश्वर को कहीं भी शोभा नहीं देता है। इन्होंने इसमें वो सारे काम किए हैं जो कि परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध में है और मसीह की शिक्षा के विपरीत में है। फ्रीमेसन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समूह है जो अपने आप से बाइबल को ऐसा इंटरप्रेट करता है या उसकी संज्ञा या उसका सारांश करता है जो कि पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। फ्रीमेसन संस्था और उनकी बाइबल पर जब आप पहला पृष्ठ पहला पेज देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मसीह ने इन लोगों के या इनके जैसे लोगों के विषय में ही बोला था कि ये आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। आप देखिए इसमें एक स्टार बना हुआ है, इसे स्टार ऑफ ईस्ट बोलते हैं, और इसमें जी का निशान बना हुआ है जो ज्योमेट्री से ये लोग जोड़ते हैं, गणना से ये लोग जोड़ते हैं, और इस प्रकार से ये तमाम बातें इंटरप्रेट करते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 11 आयत में, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इन फ्रीमेसन का यही काम है। इन्होंने जिस बाइबल को छापा है उसकी शुरुआत ये करते हैं 33 नंबर से। इनका जो पहला पेज है बाइबल का वो 33 नंबर है, ना कि एक नंबर है। इससे अंदाजा हो जाता है कि ये क्या उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, एक ऐसी विपरीत शिक्षा दे रहे हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है, और इसके विषय में ये कई बातें बताते भी हैं, उसका भी खुलासा मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर कहता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाए भी ना दे। लेकिन जब आप फ्रीमेसन बाइबल को खोलेंगे और जब लोगों ने इसको खोला तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें मिस्र के देवताओं की चित्रकारी है और बकायदा उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं जो मिस्र में उस वक्त फिरौन के वक्त में या उससे पहले जो मूर्ति पूजा होती थी, जो उनके देवता हुआ करते थे, उनके नाम और उनके चित्र जो हैं आपको इस बाइबल में साक्षात दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम उनकी चर्चा भी ना करना। लेकिन देखिए आप लोग ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल में इनकी फोटोएं लगा करके रखी हुई हैं और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उसकी चर्चा भी नहीं करना है। जब कोई भी व्यक्ति इनकी बाइबल को पढ़ता है या खोलता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि में क्या आता है, ये वही इजिप्टियन गॉड या गॉडेस आते हैं जो कि फिरौन और उसकी कौम के देवता हुआ करते थे, और फिरौन और उसकी कौम जो थी उनसे घृणा करते थे क्योंकि वो लोग उस सच्चे परमेश्वर को मानते थे जो कि बाइबल का परमेश्वर है। लेकिन जब आप इनकी बाइबल को खोलते हैं तो इसमें बात बिल्कुल विपरीत है, इसमें एक उल्टी सोच पाई जाती है और इस उल्टी सोच में ये लोग उनको शरफ देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं जो कि देवता थे मिस्र के। फ्रीमेसन बाइबल जो है पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक डेमोनिक बाइबल है, एक ऐसी बाइबल है जो कि सिर्फ दुष्ट की ओर से हो सकती है। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उस की तरफ से हो सकती है जो पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का दुश्मन है, और ये लोग उसी एजेंडे पर काम भी कर रहे हैं। इन्होंने नॉलेज तो गेन करने की कोशिश की है, लेकिन एक ऐसी नॉलेज गेन करने की कोशिश की है जिसका अंत जो है वो दुष्टता है, और ये लोग वही कार्य कर भी रहे हैं।
ये बताते हैं कि लाइट या प्रकाश के 33 लेवल हैं। जब आप 33 लेवल को जान जाओगे तो आप लूसीफर को समझ पाओगे अच्छी तरह से, और आप ये समझ पाओगे कि किस प्रकार से आप परमेश्वर से कनेक्ट हो। तभी जब इनकी बाइबिल ये खोलते हैं तो उसमें पहला पन्ना जो होता है वो 33 होता है, मतलब कि 33 से शुरुआत होती है इनकी, कि 33 जो प्रकाश के लेवल हैं उनको जाना जाए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, उसके बाद में 33 लेवल तक ये जाने को बोलते हैं और कहते हैं वहां से हम लूसीफर से कनेक्ट होकर के परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और ये लूसीफर को कनेक्ट करते हैं मसीह के साथ में, जो कि कितनी दुष्टता की बात है। तभी मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय की 12 आयत में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये वो वक्त है जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हम उस दौर में ही जी रहे हैं जब अधर्म ही अधर्म है, मुश्किलें, बीमारियां। और आप देखिए कितनी बड़ी हिमाकत है कि परमेश्वर के पवित्र वचन में वो सब बातें दिखाई गई हैं, चित्रकारियां दिखाई गई हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। ये इतनी बड़ी हिमाकत है, कौन इसके विरुद्ध में बात कर रहा है? क्या आपको कोई YouTube चैनल हिंदी में इसके विषय में बता रहा है? उनको नॉलेज ही नहीं कि हो क्या रहा है। लोग अपने आप में व्यस्त हैं, एक दूसरे की जो टीचिंग है उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जिसे आपको जानना जरूरी है, ताकि आप दुआएं कर सके, ताकि आप इन तमाम चीजों से बच सके। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपने वो देखा होगा जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा। बहुत से दर्शकों ने इसको नहीं देखा होगा कि किस प्रकार से दुष्ट अपने एजेंडे पे लगा हुआ, वो शैतान अपने एजेंडे में लगा हुआ है और लोगों को गुमराह कर रहा है। ये बाइबल प्रकाशित हुई तो इसका मतलब ये कि इसके पढ़ने वाले लोग हैं। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भी इस ग्रुप से बिलोंग करते थे, और उनकी जो ड्रेस थी उस पर ये निशान भी हुआ करता था जो कि फ्रीमेसन वालों का है। तो ये जो कार्य हो रहा है, ये जो दुष्ट की सेना और वो लोग निकल रहे हैं जो कि परमेश्वर को जलील करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं, उन्हें भरमाना चाहते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि परमेश्वर का काम करिए, एक दूसरे की बुराइयां ना निकाले, एक दूसरे को ना देखे कि कौन क्या कर रहा है। कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर किसी की किसी व्यक्ति से किसी टीचिंग पर सहमति नहीं है तो मसीह के वचन के अनुसार हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और मसीह ने कहा है कि अगर किसी भाई के विरुद्ध में तुम्हारे दिल में खोट है तो आप उससे बात कर सकते हैं और सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप YouTube जगत में इस वक्त देख रहे होंगे हिंदी बाइबल की टीचिंग के जो सुरमा बनते हैं या फिर बहुत से अच्छे टीचर भी हैं, अभी उनके बीच में कुछ भिड़ंत चल रही है। तो उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का आशीष दे, झूठ से बचें, सत्य का अनुसरण करें। आप सबको शलोम।